आप हिंदुस्तान से रात को निकलें, सुबह ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। विश्वास दिलाने आया हूं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मेरे देशवासियों, अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जितना हक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानियों का है, उतना ही हक यहां पर रहने वाले मेरे देशवासियों का है। सिडनी एक खूबसूरत शहर है, ऑस्ट्रेलिया एक खूबसूरत देश है, न ऑस्ट्रेलिया न इंडिया क्रिकेट के बिना जी सकते हैं। क्रिकेट ने हमें जोड़ा है, लेकिन उससे पहले हमारी ऐसी सांस्कृतिक विरासत रही है, इतिहास की ऐसी घटनाएं रही है जिसने हमें अटूट रूप से जोड़ा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया और भारत कॉमन वैल्यूज को शेयर करते हैं, लोकतंत्र हम दोनों देशों की धरोहर है, और विश्व लोकतांत्रिक शक्तियों को आज गौरव के भाव से देखता है। और भारत के दीर्घदृष्टा महापुरुषों का ये बहुत बड़ा योगदान रहा कि आजाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र की मजबूत नींव हमारे पूर्व के सभी महापुरुषों ने डाली, और उसी का परिणाम है। और लोकतंत्र की ताकत देखिए, अगर लोकतंत्र की ऊंचाई न होती तो क्या मैं यहां होता? भारत के लोकतंत्र की उस ताकत को हम पहचाने कि जहां सामान्य से सामान्य इंसान भी अगर सच्ची निष्ठा और श्रद्धा के साथ देश के लोगों के लिए जीना तय करता है तो देश भी उसके लिए मरना तय करता है। कभी कभार हम शास्त्रों में पढ़ते थे कि फलाने भगवान सहस्त्र बाहु थे, 1000 भुजाएं थी। अब ऐसा तो नहीं था कि यहां लटकाई होगी, इसका मतलब यह था कि उनके पास ऐसे 500 लोग थे जो 1000 भुजाओं के कारण ईश्वर भी अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते थे, योजनाओं को पूर्ण कर पाते थे। परमात्मा के पास तो सहस्त्र बाहु थे, लेकिन भारत माता के पास 250 करोड़ भुजाएं हैं, 250 करोड़। जिस देवी के पास, जी भारत मां के पास 250 करोड़ भुजाएं हो, और उसमें भी दो सौ करोड़ भुजाएं तो
35 साल से कम आयु की है।